रॉयल डेकोर, पता नहीं मेरे को तो याद भी नहीं है। रेखा कैरी सारे लोग हैं ना वो यहीं पे आते हैं, वाकट इज लाइक फेमस फॉर फर्नीचर मार्केट, यहीं पे आते हैं। इनफैक्ट तलेगांव और लोनावला से भी इधर सो आज हम निकले थे फर्नीचर शॉपिंग। फर्नीचर शॉपिंग तो ऐसा है कि मतलब वन डे का तो काम होता नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, ह्यूज प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है। तो आज हमारा पहला था बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा था, काफ़ी चीज़ें मुझे घर के लिए लेनी थी तो वही निकले थे। एक दो हमने दुकानें देखी और ये वाकट जो एरिया जैसे मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर स्टोर्स हैं। एक और हाईवे पर भी पहले था, बीच में वो सब तोड़ दिया था, आई डोंट नो अभी वो है कि नहीं है, तो वो भी एक बार चेकआउट मारेंगे बाद में। सो ये सब दुकानें देख रहे थे हम लोग, चेक कर रहे थे क्या चल रहा है, क्या है, कलर कौन से चल रहे हैं, कैसा चल रहा है। सो टीवी यूनिट भी मेरे को एक चाहिए, लेकिन मतलब ऐसा ना इतना बड़ा सा नहीं चाहिए, तो वही मैं सुभाष को दिखा रही थी कि ऐसा कुछ चाहिए कि स्लीक सा चाहिए, तो चेक कर रहे थे। बाकी कबर्ड देख रही थी छोटा बड़ा कैसा है, ये तो खैर बिल्कुल बेसिक था, ऐसा हमको नहीं चाहिए था। सो जस्ट थोड़ा आइडिया लगा रहे थे। और फिर हमने बैठ के सारे लैमिनेट्स जो होते हैं ना, जैसे आपके कबर्ड के ऊपर आपको किस तरह का कलर चाहिए, आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, उसका पूरा फोल्डर रहता है इनके पास, तो वो भी एक बार हमने सारा चेक किया कि ग्लॉसी है, मैट है, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर कलर कॉम्बिनेशन बैठेगा। सो बहुत ज़्यादा यू नो, ये जितना आप देखो ना, इट इज़ दैट कन्फ्यूजिंग। जब मैंने सोफ़ा बनाया था उस टाइम पर आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे सोफ़े का कलर क्या चाहिए, सो वी जस्ट यू नो हैड टू थिंक अबाउट दी फैब्रिक। बट कबर्ड के लिए वी आर ओपन फॉर एवरी थिंग, सो बहुत मुश्किल हो रहा था चूज करना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आपने जो सारा देखा ना, अभी हम जो फर्नीचर वगैरह सब देख के आए हैं, सो फेस्टिवल आ रहा है और काफी कुछ मुझे था कि मेरे घर में ना चेंजेस करने थे, बहुत दिनों से होल्ड करा हुआ था, सो वो सब अभी स्टार्ट हुआ है। कब तक क्या लूंगी और क्या क्या लूंगी वो तो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। सो वहां से देख के आए। सुभाष का यहाँ पे चल रहा है डिनर। मुझे ऐसा है कि आई लव वीकेंड, ऐसा समझ मतलब करते हैं कुछ बाहर का खाएं कुछ खाएं, तो इससे पहले कि मैं कुछ बाहर का खाऊं, तो यहाँ पे बिल्कुल बबल्स और रेखा ने मेक श्योर किया कि सुभाष को घर का खाना मिले, हेल्दी घर का खाना। तो अभी हो रहे हैं 11:15 और मैच चल रहा है, घर वापस आ गए हम लोग। लेट्स सी क्या लगता है, इंडिया जीती जाएगी ना? मुश्किल है, अभी मुश्किल है। ओके, दिस इज माय डिनर टुडे। ये फिश बहुत अच्छी लगती है, दिस इज ग्रिल्ड फिश विद सम वेजीज, और ये वेजेस और थोड़ा सा आलू, तो ये तो नहीं खाया जाता है, ये आई विल ट्राई। और ये लुक्स डिलीशियस एंड टेस्ट डिलीशियस। यहाँ पे लिया है मैंने पनीर है, पनीर को ना वो कद्दूकस कर लिया है, श्रेड कर लिया है, इन बेटर वर्ड्स। ओके, तो इसमें डालूं थोड़ा सा मेयोनीज, इससे अगर आप सैंडविच वगैरह कुछ बनाते हो ना तो वो ऐसा ड्राई होके ना ऐसा सूखा सूखा होके इधर उधर फैलता नहीं है पनीर। अगेन थोड़ा सा और अगेन नमक, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, अगेन मिर्ची मसाला अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा मेयोनीज हम ब्रेड पे भी लगा देते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे ब्रेड इससे। Of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that. Good morning friends, आज है next morning और सुभाष के call पे call आए जा रहे हैं। वो देखो 77 number का सुभाष cricket। और मतलब ऐसा है ना, मॉनसून सीजन चला गया लेकिन बारिश ऐसा है कि कभी भी ऑन ऑफ चल रहा है। तो अभी ये रेडी होकर तो बैठे हैं, लेकिन बाहर इतना क्लाउडी हो रहा है और वीकेंड को ही क्लाउड होता है, बारिश होती है और वीकेंड को ही सुभाष के मैचेस होते हैं। फॉर अ चेंज सुभाष पहले रेडी हो गया, सुभाष थोड़ा सा लेट रहते हैं, थोड़ा सा सुभाष की आदत है हर जगह थोड़ा लेट पहुँचने की। आज सुभाष पहले रेडी हो गए सुबह उठ के। हाँ सुभाष, मैं कह रही हूँ आज फॉर अ चेंज सुभाष पहले रेडी हो गए टाइम से पहले। क्या लगता है क्रिकेट होएगा नहीं होएगा? लॉन्ग ड्राइव लग रही हूं मैं तो। लॉन्ग ड्राइव जाओ और वापस आओ। देखना बादल कितना आए काले काले। चाय ले ले थोड़ी सी, पर तू सुभाष ने चाय नहीं पी, पता नहीं क्या रीजन है, तो मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ वीकेंड वाली तसल्ली वाली। सुभाष गए क्रिकेट के लिए, हल्का हल्का सा मुझे लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है, होप बारिश ना हो, बिकॉज इतनी मेहनत इतनी प्रिपरेशन करके ये सब जाते हैं। और मुझे जाना है डांस प्रैक्टिस के लिए, तो उसी के लिए ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप कितना भी आप हैंड वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, लिंट आ ही जाता है, तो इस तरह के लिंट रोलर ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो क्योंकि ना बहुत ज्यादा वो मटेरियल वैसा है ना, तो बहुत ज्यादा वो पकड़ता है, कहीं से भी वाइट 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 हो जाता है, और ब्लैक के ऊपर हल्का सा भी वाइट आ जाए इतना बुरा दिखता है।
ये देखो इस वाले टॉप को ना मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, फिर भी देखो इसमें बाल बाल देखो सब चिपका लेता है ऐसा, देखो फोकस नहीं हो रहा ये देखो। सो मैं कहीं भी जाऊँ मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है ना आईब्रोज, मैं हमेशा ये करती हूँ। मेरा आईब्रोज ना बहुत लाइट हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि मेकअप का कौन सा ऐसा सामान है जिसके बिना आपको लगता है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव इन द सेंस कि वो चीज़ आपको चाहिए, बाकी आपको अगर ऑप्शन मिले कि एक ही चीज़ चूज करना है सो आई विल गो फॉर दिस आईब्रोज का, क्योंकि कितना भी अच्छा आई मेकअप कर लो आईब्रोज अगर ढंग के नहीं है तो नहीं अच्छा लगता। वैसे मैं अभी मेकअप नहीं कर रही हूँ, इन जनरल भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो आई मेक माई आईब्रोज, और अगर दो ऑप्शन हो गए तो इट वुड बी मस्कारा टू, बाकी लिपस्टिक वगैरह भी आई नो सब कुछ ही है, बट देन जस्ट अगर एक हुआ तो इट हैज़ टू बी ये आईब्रो का। ये भी मुझे नया मंगाना पड़ेगा, ये देखो उसकी हालत देखो कैसी हो गई है, सो इट इज़ बहुत बुरी हालत हो गई है इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहती, बट देन चलो आपसे क्या छुपाना। सो आज मैं बाथरूम के यहाँ पे ही रेडी हो रही हूँ, बिकॉज अंदर अनन्या सो रही है, अभी उसको उठाया नहीं है, सोने उसको, एग्जाम्स खत्म होंगे जितना सोए उतना बेटर है, अभी पूरे दिन उसका प्रैक्टिस 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 काफ़ी हेक्टिक जाएगा उसका भी बहुत, शी इज़ इन्जॉइंग अ लॉट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना अनन्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज सीखती इतना कुछ है ना कल्चर के बारे में, इतना कुछ सीखते हैं ना बच्चे। ट्राउजर में ना मैंने ये पहना है, ये बड़ा मस्त, मतलब ये ना मेरा बहुत पुराना है, उसे कबर्ड सेट करी थी तब मुझे ये दिखा, मैंने कहा यार ये तो अंदर, मतलब काफी बार होता है ना कबर्ड के अंदर सामान रहते पता ही नहीं चलता है, तो मैंने निकाला इसको बाहर ऊपर ऊपर सेट किया ताकि मैं भूल ना जाऊं, तो तब से इसको मैं पहन रही हूँ, बड़ा कंफर्टेबल बड़ा अच्छा है। सो आप भी ऐसा ही करो, मतलब कवर्ड अभी क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, इट इज द राइट टाइम, कवर्ड में सब चेकआउट मान लो कुछ ना कुछ 100% ऐसा निकलेगा आपका जिसमें आपको लगेगा अरे ये मेरे पास था मैं तो भूली गई, इतना अमेजिंग। सो ये मेरा ट्राउजर निकला तो उसके बाद से आई हैव बीन वेयरिंग इट सो रेगुलरली नाउ। चलो मैं पहुंच गई, एक और हमारी जो टीम मेट है वो आनी बाकी है, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं सोचा चलो यहाँ पे उठा के एक बार आपको हाय बोलूँ सुंदर से पुणे के मौसम के साथ, और चारों तरफ बिल्कुल फूल फूल बहुत अच्छा लगता है, एक मिनट हॉल के यहाँ पे ना चारों तरफ इतना ग्रीनरी है, मज़ा आ जाता है इधर प्रैक्टिस करते हुए, एवरीवेयर इट्स सो ग्रीन। ओ एक ये मौसम और ये ब्लू ब्लू पानी, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे खड़ो के ठंडी ठंडी हवा खाने में, बहुत सुंदर है यहाँ का व्यू। सो चलो जाते जाते मैं सोचा एक बार ना सब्जी के यहाँ पे चक्कर मार के जाते हैं, देखते हैं क्या फ्रेश सब्जी वगैरह आए हैं, थोड़ा अदरक वगैरह खत्म हो गया था और मुझे ना कच्चा टमाटर लेना था, उसकी चटनी मैंने देखी थी रिसेंटली खाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सो वो लेना था, और वही सब्जी वगैरह देख रही हूँ क्या, मतलब हर रोज़ का प्रॉब्लम ये है कि भैया सब्जी ले क्या, बट एटलीस्ट ऐसा रहता है क्योंकि यहाँ पे सब्जी बिल्कुल दुकान जो है ना बिल्कुल जाते आते रास्ते पे है ना, तो आते जाते चेक कर लो ना तो थोड़ा आइडिया मिल जाता, जो फ्रेश सब्जी उस दिन आई होती है वो उठा लो और बना लो, तो थोड़ा सा जो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाते पे चूज करना, जितने पार्टिसिपेशन उतने ही कपड़ों की रिक्वायरमेंट। तो मैंने ये मंगाया था अनन्या के लिए, मुझसे ज्यादा अनन्या का हो रहा है, मैंने मंगाया था अनन्या के था बट इन्होंने ना गलत भेज दिया, मैंने येलो मंगाया था ये पूरा इन्होंने व्हाइट भेज दिया, तो या तो एक्सचेंज और अगर दूसरा कलर मुझे लगता है बस होगा नहीं तब इन्होंने ये व्हाइट भेज दिया है अच्छा, बट देन मुझे ये कलर नहीं जमा, ये पैटर्न भी मैंने डिफरेंट मंगाया था, नीचे ऐसा स्ट्रेट बॉर्डर अच्छा लगता है मुझे इसमें ना ऐसा आया है, आई डोंट नो देखते हैं अनन्या पहन के डिसाइड करेगी कि क्या करना है, इसको रखना है कि रिटर्न करना है। इसका दुपट्टा अच्छा लगा मुझे, दुपट्टा केम वेरी नाइस, ऐसा सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा वैसा है, बट जस्ट दैट कि मैंने येलो मंगाया था उन्होंने गलत भेज दिया, अनन्या ने ही चूज किया था येलो ना, उसने उस टाइम बोला मुझे व्हाइट नहीं चाहिए मुझे येलो में चाहिए, तो देखते हैं। To settle down, day nights and late nights don't kid around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. So चलो घर की साफ सफाई हो गई है, अभी लंच वगैरह चढ़ाएंगे सफाई, देखो मैंने बताया था अनन्या फ्लावर्स लेके आती है जहाँ उसको मिलता है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे मैंने जो मेरे जार्स है ना वो मसाला वगैरह रखने के तो उसको ही मैंने यहाँ पे रखती हूँ, तो बड़ा सुंदर लगता है। थोड़ा सा यूट्यूब का काम है मेरा, वीडियो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ एक एडिट करना पेंडिंग रहता है, उसको भी करके ख़त्म करते हैं फिर शांति से लंच चढ़ाएंगे। ओके सो यूट्यूब का भी काम करते हुए मुझे एक और चीज़ याद आया जो मैंने आपको बताया नहीं, इनफैक्ट भूल गई, मैंने इनफैक्ट शॉर्ट बनाया उस पर इन्फॉर्म किया है बट देन व्लॉग में डिटेल में नहीं शेयर किया। सो बेसिकली क्या होता था ना, पहले जो शॉर्ट्स वीडियो होते थे उसके नीचे सारे लिंक्स होते थे, कैसा है ना कि कमेंट को हम पिन कर देते थे उसमें सारे लिंक्स होते थे, डिस्क्रिप्शन के उसके उसमें लिंक्स होते थे, शॉर्ट्स वीडियो की बात कर रही हूँ लॉन्ग जो व्लॉग है उसकी नहीं। सो अब यूट्यूब ने उसमें से वो लिंक्स को क्लिकेबल नहीं रखा है, तो आपको लॉन्ग फॉर्म जो
पूरा वीडियो है वो उसमें आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स क्लिकेबल मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट्स में नहीं मिलेंगे बिकॉज काफी स्पैमिंग वगैरह उसमें हो रही थी, बहुत फिशिंग लिंक्स उसमें आ रहे थे बहुत ज्यादा, यू नो इट वॉज नॉट गोइंग गुड, क्योंकि कुछ सेकंड का होता है ना, तो काफी इस चीज का फायदा उठा रहे थे लोग और गलत लिंक्स वगैरह डाल रहे थे, तो यूट्यूब ने वो कंप्लीटली डिसेबल कर दिया है। तो अब आपको अगर कुछ भी लिंक चाहिए जो शॉर्ट्स में हम लोग शेयर करते हैं उसके लिंक्स चाहिए, तो शॉर्ट्स के नीचे ना एक वो आता है प्ले बटन आता है, जो आप मानसी ब्लॉग्स मेरा नाम देखोगे ना उसके और टाइटल के बीच में एक प्ले बटन आता है, ठीक है, वो प्ले बटन आपको ले जाएगा वो जो शॉर्ट्स वाला वीडियो है उसके मेन वीडियो में, और उस वीडियो के फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो इट्स जस्ट ईजी, एक दो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू विल ऑल्सो गेट अ हैंग ऑफ इट, सो आई थॉट आई जस्ट अपडेट यू ऑन दैट। चलो लंच की प्रिपरेशन की जाए, देखते हैं लंच में ना कुछ सुभाष का डिनर बनाती हूँ, आएंगे कब तक पता नहीं, नहीं तो डिनर ही कर लेंगे, बस दो दो मैच हम के आज एक ही नहीं और बारिश की थैंक गॉड तो खेल लेंगे। और देखो कल क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको याद है ना सुभाष ने वो बनाया था एक यहाँ पे लगाया था कि बी केयरफुल ये कभी भी गिर जाएगा, तो ये कल अनन्या ऊपर कुछ तो कर रही थी एंड थैंक गॉड मतलब बड़े एक्सीडेंट से बच गए, उसके ऊपर आके गिरा मतलब पकड़ लिया था उसने, तो यार बहुत डर गई थी मैं भी, तो उसको निकाल के निकल गया था, तो हमने साइड में रख दिया है, आई थिंक ओपन भी ठीक लग रहा है, कुछ ग्लासेस वगैरह लगा दूंगी, उसको ठीक करवाना है, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए ना बीइंग फेस्टिवल सीजन कारपेंटर मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, सो ये एक बहुत बड़ा काम है जो मुझे करवाना है। सो आज ना मैं हरा टमाटर और धनिया पत्ता लेके आई हूँ, बिकॉज ऐसा मैंने ना अपने फ्रेंड के घर में चटनी खाई, जनरली मैं जो चटनी बनाती ना उसमें लाल वाला टमाटर डालती थी, मैंने हरे टमाटर डाल के कोई चटनी नहीं बनाई, तो इतना टेस्टी लग रहा था वो, तो मैं आज लेके आई, तो ये हरा कुछ नहीं सिर्फ हरा टमाटर डालना है, धनिया पत्ता डालना है, लहसुन और हरी मिर्ची और नमक, बस इतना टेस्टी बना था, तो मैं आज वही बनाऊंगी साथ में, वो रोटी पराठे वगैरह भी खाओ ना तो उसके साइड में भी ऐसा ले लो हल्का सा, तो बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए मैं आज स्पेसिफिकली हरा टमाटर लेके आई। दो सो आई थिंक इतना धनिया काफी रहेगा, और बाकी जो धनिया मैं जैसे स्टोर करती हूँ तो ये डब्बा लेती हूँ, उसके नीचे एक टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, उसमें धनिया को डालती हूँ, गीला मत रखना धनिया को, अगर आपको लगता है ना धनिया गीला है तो साइड में थोड़ी देर उसको रख दो ताकि वो ड्राई हो जाए, ड्राई इन द सेंस कि पानी उसका सूख जाए, फिर उसको रखना। और यस, कितने भी घर में आपके पास स्टोरेज कंटेनर्स हो, लेकिन अगर अमूल के डब्बे में आइसक्रीम के डब्बे में स्टोरेज नहीं हुआ तो काय का इंडियन है ना, मतलब ये मैंने इतने मीम्स देखे हैं इसके और हमेशा मैं रिलेट करती हूँ, मैं सब रिलेट करती हूँ बिकॉज ये फेंके नहीं जाती है डब्बे, आई डोंट नो व्हाई, हेल्दी नहीं है, ये नहीं है वो है, एवरीथिंग अग्रीड बट ये फेंके नहीं जाते, तो मेरे को ये धनिया में यही यूज होते हैं। डिश वॉशर भी खाली करना पड़ेगा, मुझे चाहिए कुकर, सुभाष इतना अमेजिंगली डिश वॉशर को सेट करते ना, मतलब मेरे से ना सारे बर्तन जाते ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और सुभाष करते हैं मतलब एक एक बर्तन फिट कर देते हैं, ही हैज बिकम एन एक्सपर्ट नाउ। मेरा वॉशिंग मशीन आगे आ गया है, सरसों का तेल गरम करने को डाल दिया है, यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च, साबुत, हींग, सरसों और जीरा, सरसों बड़े वाले लेना, मैंने ना गलती से ये छोटे वाले मंगा लिए थे, तो इनको खत्म करना है। सरसों चटकने लगे हैं, इसमें डाल दी हूँ करी पत्ता, ये प्याज को फ्राई करेंगे अच्छे से, सो अनियन अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन कुटी हुई, इसको भी फ्राई कर लेंगे, सो ये मसाला फ्राई हो गया, इसमें डाल दी हूँ टमाटर, टमाटरों को भी अगेन उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैकेट दही और उसमें ले रही हूँ स्पून का दो, थोड़ा सा और ले लेते हैं बेसन, और उसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बेसन के जो लम्स है ना वो सब निकल जाए, तो उसमें डाल देंगे हम पानी और वापस से फेंट लेंगे, पानी बाद में डालना फेंटने के बाद, अदरवाइज ना वो लम्स जाते नहीं है जो बेसन के लम्स बन जाते हैं। मैं डाल रही हूँ हल्दी, ये मसाले आपका चॉइस, आप इसमें भी डाल सकते हो जीरा पाउडर, या फिर आप जो मसाला हम फ्राई कर रहे हैं ना प्याज वगैरह उसमें भी डाल सकते हो, धनिया पाउडर खूब सारा, ये धनिया पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और लाल मिर्च का पाउडर, और इसको हम वापस से मिक्स कर देंगे और इसको ना हम रेस्ट करने को छोड़ देंगे 15-20 मिनट के करीब, फ्राई होने पर हमने जो ये मिक्स बनाया था उसको इसमें डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे, पाने देंगे हम एक उबाल, तब तक थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि जो दही है ना वो कडलप ना हो जाए, उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक इसको कम आंच पे ढक के कुक होने देंगे। कड़ी अच्छे से कुक हो गया है तो इसमें पकौड़ा डाल रही हूँ, पकौड़ा मैंने प्याज और आलू मिक्स करके उसका बनाया है, काफी लोगों को ना क्रंची अच्छे लगते हैं पकौड़े, तो वो जब सर्व करते हैं उस टाइम पे डालते हैं, मुझे सॉफ्ट पसंद आते हैं, तो मैं अभी इसको डाल के 10 मिनट और उबलने दूंगी ताकि पकौड़ों के अंदर तक रस चला जाए, पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। कड़ी मेरी जो है कुक हो गई है, इसमें बस धनिया पत्ता डाल देंगे हल्का सा, अच्छा फ्लेवर आता है, और इसको बंद कर दूंगी। अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है अराउंड 9:00, इवनिंग तो क्या रात ही हो गई है 9:00, और सोसाइटी में जहाँ पे भी वॉक करो वहीं पे गणपति के जो वो तैयारी चली ना लेजियम की आवाज़,
तो कहने लगे कि यहीं पे कहीं पे प्रैक्टिस हो रही है, रुको अगर होगी प्रेजेंट उसी की हो रही होगी तो अभी शो मज़ा आ रहा है, मज़ा मतलब ये आवाज़ सुन के मज़ा आ जाता है। तो इधर हो रही है बड़ों की प्रैक्टिस और इधर हो रही है बच्चों की प्रैक्टिस। लुक एट दिस, द एंटायर सोसाइटी इज हैपनिंग। सो रात को यहाँ पे हरितालिका तीज की तैयारी चल रही थी, मेहंदी आर्टिस्ट आई हुई थी यहाँ पे, मेहंदी वगैरह का पूरा वो बंदोबस्त किया हुआ था। सो अनन्या को मेहंदी का बहुत शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मुझे ऐसे करवा चौथ पे मैं लगाती हूँ मेहंदी थोड़ा बहुत, सुभाष को बोलती हूँ, फिर अनन्या को बोलती हूँ वो लगा देते हैं, बट अनन्या को मेहंदी का बहुत शौक था। तो यहाँ पे मेरी उसकी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी है तो उसने उसको लगवाया, बिल्कुल भर के पूरा हाथ लगा के आई थी रात को इतना लेट, एंड इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी इसके छोटे छोटे हाथों में। कुछ ली नहीं हो रही, पापा से कह रही है खुजली करने को, मेहंदी लगा अपनी। सो उसको सो बेसिकली हरतालिका तीज है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हरतालिका करके महाराष्ट्र में कहाँ पे है फेस्टिवल मंडे को, सो उसी का आज ना एक मिनट करती हूँ मेहंदी। यहाँ पे सब सोसाइटी में सब जो लेडीज है ना वो लगा दी, तो अनन्या भी लगा के आ गई। देखो रुको मैं दिखाती हूँ अनन्या की मेहंदी, बहुत सुंदर लगी। ये है अनन्या की मेहंदी, पीछे की साइड दिखाऊं, पूरा भर के लगा के आई अनन्या मेहंदी। इवन मम्मा भी ऐसे नहीं भरती है। मुझे मेहंदी ज्यादा बहुत ज्यादा शौक नहीं है। आई लव इट। नाइस, अभी सूखने को भी देना पड़ेगा रात को। आई डोंट थिंक दैट आई एम बीइंग दैट सेल्फिश राइट नाउ। Said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. I know guys, उठा के लाना पड़ रहा है अभी। हाँ, उतारो उतारो, गिरा दो उसको धड़ाम से, मोटू को। ये दिखाओ उन्होंने अपनी, डार्क हो गई ना, नाइस। पीछे दोनों हाथ, नाइस। कानों की जो मैंने पियर्सिंग करवाई थी ना सेकंड, दिस इज टर्निंग आउट टू बी सो पेनफुल, बट ना मेरे को गिव अप नहीं करना इन पियर्सिंग्स में। सो मतलब ऐसा ठीक होता है फिर पक जाता है फिर ठीक होता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बीट सिल्वर बीट गोल्ड डायमंड सब ट्राई कर लिया। मतलब पहले इस कान में दिक्कत था, ये कान में थोड़ा शॉर्ट हो गया है, इस वाले में दिक्कत है, तो अभी मैंने ना ये जस्ट ये बालियां पहनी में थोड़ा पेनफुल, आई थिंक एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, सी दिस पार्ट। सो होपफुली अभी ये इसको मैं ऐसा, ये बालियां ना अभी क्या चुभेंगी नहीं, तो दो तीन दिन पहन के देखती हूँ ये कैसा बिहेव करती हैं, देन अकॉर्डिंगली लेट मी सी, बिकॉज मैंने इतनी मुश्किल से पेन लेके करवाया है पियर्सिंग, सो मुझे ऐसा है कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर नहीं इसमें कुछ ईयरिंग पहनूंगी ना तो ये बहुत जल्दी बुझ जाएगा। सो लेट्स सी। सो अनन्या ये क्यूट उसका गणपति बप्पा लेके आई है हमारे लिए, गणपति बप्पा मोरिया अनन्या सारा इज हियर। सो देखते हैं गणपति के बाद हम अपने मंदिर में बैठाएंगे, उसके बाद निहाली के घर में रखेंगे अनन्या, क्योंकि पूजा वगैरह करने के इसके बहुत रीति रिवाज है, राइट। अभी आराम से एक जगह अच्छी जगह पर रखो। चलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, किया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट पक्का करना। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल द न्यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एंड बाय बाय।